हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल टाइम स्टडी। आज की वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड्स अपने हिंदी हिंदी वाले जो पेपर हुए हैं हमारे DEE++B ने हिंदी के जो भी एग्ज़ाम लिए हैं उन सभी का एनालिसिस यहाँ पे हम कर रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके तीनों शिफ्ट में जिस भी डेट को, तो उन सभी शिफ्ट का एनालिसिस जो भी मेरे पास है वो कर रहे हैं। तो इन्हीं से आपका जो है वो आपकी तैयारी यहाँ पे काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्सम जो है वो शब्द है, हंसी ने काम। तो तत्सम शब्द, देखो हम जो है वो हंसी हंसना इस तरह का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ने का ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, काम भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लोग जो बहुत कम यूज़ करते हैं। तो तत्सम शब्द आपका वही है जो मतलब डेली यूज़ में कम यूज़ मतलब कम भी यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लोक। फिर है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या है। तो वर्षा जो अपने आप में क्या है, वर्षा ही है यानी कि बहुवचन ही है। तो किसी भी चीज़ का आपको एक वचन बहुवचन पता लगाना हो तो मतलब उसका क्या सेंटेंस बना के देख लो, तो वहाँ से आपको जो पता लग जाएगा। नेक्स्ट है चलायमान रहने वाली संपत्ति के लिए एक शब्द का चयन करें। तो चल संपत्ति एक शब्द का प्रयोग क्या होगा, चलायमान रहने वाली संपत्ति चल संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजगर का पर्यायवाची, अजगर का आपका सांस मतलब सांप वगैरह ये होता है। तो दैत्य रीढ़ा वाहस अटवी, तो वाहस इसका आंसर होगा। फिर है सार्थक खंड वाले शब्द को क्या कहते हैं, जिनका मीन्स हम खंड कर सके और सार्थक शब्द हो। तो वहाँ पे आपका आंसर होगा यहाँ पे यौगिक रूढ़ संगम। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, लेकिन रूढ़ योग रूढ़ और यौगिक आपका यहाँ पे इनमें से आंसर होगा सार्थक, तो यौगिक आंसर है। नेक्स्ट चौराया चौराहा, तो ये आंसर यहाँ पे द्विगु समास, जहाँ पे चार रास्ते हैं तो वहाँ पे आंसर होगा द्विगु। नेक्स्ट है मोहन प्रकाश जी - हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान अन्य पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक यहाँ पे अन्य मध्य उत्तम पुरुष अन्य पुरुष सर इनसे क्वेश्चंस है। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो उन्हें तो ये अन्य पुरुष हो गया ना, तो आंसर है यहाँ पे उन्हें। नेक्स्ट है एक तो होता अंश एक होता अंश, तो अंश मतलब होता है हिस्सा और एक होता है कंधा। नेक्स्ट है शब्द गम भी काफ़ी पूछे गए आपके। नेक्स्ट है समास का विलोम शब्द, तो ये हो गया समास व्यास। नेक्स्ट है यथार्थ का विलोम, तो कल्पित होता है। नेक्स्ट है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं आपकी कृतवाच्य क्रमवाच्य भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, अव्यय यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। तो ऐसा काम मत करो, वाह मैं नहीं जाऊँगा, मैं काम के पीछे आया था, मैं पीछे आया था, तो मैं काम के पीछे आया था, ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। फिर कवि का स्त्रीलिंग, तो कवित्री होगा। नेक्स्ट है जो जिन के मन मत को माने, तो जो जिन के मत को माने वो होते हैं जैनी। नेक्स्ट है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ, इस वाक्य में रेखांकित पद शब्द, तो शायद कमरे में कोई, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है ना, राम है श्याम है मोहन है गूंगा बहरा कौन है, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, अनिश्चित वाचक है। अत्यंत में कौन सा, तो अति प्लस अंत यहाँ पे अति उपसर्ग है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी, तो वास्तविकता 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 वास्तविकता, तो वास्तविकता ठीक है थर्ड। फिर है शुद्ध शब्द का चयन, निपत प्रश्चित विद्वन पैतृक ठीक है यहाँ पे फर्स्ट। काल के बोध का संबंध किससे होता है, तो काल के बोध का संबंध किससे होता है, क्रिया से होता है, वो क्रिया किस काल में जो चल रही है। नेक्स्ट है धूप का पर्यायवाची क्या होगा, तो आतप मीन्स होता है धूप। नेक्स्ट है खुशामदी टट्टू मुहावरे का क्या अर्थ है, बढ़ाई करने वाला। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, तो
तो वह किस प्रकार का चिन्ह वहां पे होगा? तो ये है पूर्ण विराम। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह, सॉरी लकोक्ति, ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है, उसका क्या अर्थ है? तो क्रोधी को नम्र शांत कर देता है। बिल्कुल। नेक्स्ट है एक ही वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरह के जो पद शब्द पदबंध या वाक्यांश एक साथ आने पर लगाया जाता है, तो यहाँ पे अल्प विराम लगाया जाता है। उपवाक्य और वाक्य में अंतर क्या है? तो वाक्य का स्वतंत्र प्रयोग होता है लेकिन किंतु उपवाक्य का नहीं। नेक्स्ट लोकोक्ति, तू डाल डाल मैं पात पात, तुम चालाक तो मैं भी चालाक। ये लोकोक्ति जो है वो क्लासरूम में टीचर्स किसी मतलब किसी भी स्टूडेंट पर यूज कर लेती है इजीली, मैंने देखा हुआ। नेक्स्ट वाक्य है चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा का मिश्र वाक्य क्या होगा? चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, तो सेकंड यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य आपका होगा न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया, थर्ड आपका राइट है। राम ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया, वाक्य का क्रमवाच्य क्या होगा? तो राम के द्वारा, यहाँ पे द्वारा लग जाएगा, और किसी शब्द में है ही नहीं द्वारा। नेक्स्ट है ए बी सी डी क्रमांक दिए गए या व्याकरण से संबंधी गलती या किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं, यदि त्रुटि होगी तो वाक्य में किसी एक भाग में ही होगी, उस भाग का क्रमांक ही आपका उत्तर है। तो चलो पढ़ लेते हैं। श्याम ने यह प्रण कर लिया है कि वह विद्या समाप्त करने के पश्चात ही नौकरी के लिए आवेदन करेगा। यह प्रण कर लिया कि वह विद्या समाप्त करने के पश्चात ही नौकरी के लिए आवेदन करेगा, तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका बी पार्ट में है। नेक्स्ट है काफूर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? काफूर होना तो भाग जाना। निषेधार्थक वाक्य कौन सा है? तो निषेध यहाँ पे नहीं कि सेंस की, स्मेसिंग ने बढ़कर ताकतवर जानवर कोई नहीं है, तो आंसर आपका फोर्थ। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया गया है, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहाँ लगाया जाता है, तो योजक चिन्ह लगाया जाता है आपका। नेक्स्ट है जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस प्रकार का प्रयोग अनिवार्य है? अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना, तो वहाँ पर अर्ध विराम की जरूरत है। अब आपका आ गया पैसिस, चलो पैसिस पढ़ लेते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे आंसर है उत्साह का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ना कहलाता है उत्साह, तो ये जो है वो आपके सामने गद्यांश, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पे, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्रम संपादन में देखा गया तत्परतापूर्ण आनंद क्या कहलाता है? तो ये उत्साह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जब तक डैश का लगाव किसी क्रिया व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती, तो ये आंसर है आनंद। किस प्रकार के कर्म करने से उत्साह सुंदर प्रतीत होता है? तो ये है कर्तव्य। नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाले हैं। बेमेल असंगत शब्द का चयन, चोट जख्म खून पीड़ा। पीड़ा का यहाँ पे आंसर मतलब होता है कि दुख, तो चोट जख्म खून ये एक तरह से रिलेटेड है लेकिन पीड़ा अलग है। देशज शब्द का चयन करें, तो लोटा जो आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो डॉक्टर बचपन सुशील, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका कमायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी दूसरे की जगह पर आया हो तो स्थानापन, यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
तो ये आंसर होगा आपका यहाँ पे रुद्र। नेक्स्ट है, एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन। अतिरिक्त ठीक है, प्रवीण ठीक है, सम्मिश्रण ठीक है, लेकिन अभ्युत्तर यहाँ पे आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? तो वी प्लस देश, अति प्लस अधिक प्लस योग और सुरेश यहाँ पे उपसर्ग रहित शब्द है। नेक्स्ट है, ऐश्वर्य का विलोम तो अनैश्वर्य है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो आपके 3 है। नेक्स्ट है, साधु का विलोम क्या होगा? असाधु होगा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए, तो यहाँ पे आंसर है अभिशाप। धनंजय समानार्थक शब्द होगा तो अर्जुन। नेक्स्ट है, अभियुक्त और अभियुक्ति। अभियुक्त तो होता आपका अपराधी और अभियुक्ति टिप्पणी। नेक्स्ट है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? कल वे आने वाले थे, गलत है। अचानक बिजली कौंध उठी, उसने फल खा लिए थे, तो ये सारे पास्ट में है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट में है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता? पानी, अति, दही। तो जो ये आंसर है यहाँ पे पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता वो आपका नदी। तरंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये है ऊर्मि। नेक्स्ट है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम आप आंसर होगा। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, मतलब निश्चित है ये कि उसने कितना खरीदा, 2 लीटर। तो 2 लीटर लीटर को आप नाप सकते हैं, तो ये निश्चित परिमाणवाचक शब्द, निश्चित परिमाणवाचक है। नेक्स्ट है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य का कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य में आपका द्वारा आ जाएगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो फोर्थ, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन जो है वो समाचार नहीं है। हवा, आग, वर्षा आपकी एक वचन है, समाचार आपका ऑलवेज इज प्लूरल। नेक्स्ट है, राम ने लता को अपनी कलम दे दी है, इस वाक्य को किस कारक का चिन्ह है? तो यह है संप्रदान। किसी विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका निर्देशक चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग, तो लड़कियों ने माँ को देखा। फिर यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण संबंधित त्रुटि के लिए उपयुक्त विकल्प चयन करें। तो यद्यपि के स्थान साथ किंतु का प्रयोग होगा, यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया, परंतु परंतु के स्थान पर तदावि का प्रयोग होगा, ये भी जो आपका यहाँ पे त्रुटि है। तो संबंधित त्रुटि के लिए उपयुक्त विकल्प, तो ये ए और बी दोनों सही है। दिए गए 4 वाक्यों में सही वाक्य का चयन करना है, तो 80 घाट पर संतों की बहुलता फोर्थ राइट है। किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे वह पुस्तक जो आप चाहते हैं लाइब्रेरी में नहीं है। नेक्स्ट है, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी न आए, तो सख्त सजा मिले तो मिले, मगर दौलत हाथ से न जाए। फर्स्ट राइट आंसर, हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है, तो हमारे देश का विकास। तो सेकंड होगा आपका ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, चोर के पैर नहीं होते, तो यहाँ पे है अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। केवल संकेत मात्र से काम नहीं चलेगा, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इस वाक्य का शुद्ध रूप है केवल संकेत से काम नहीं चलेगा, संकेत मात्र से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मात्र नहीं, केवल संकेत से। जिस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, राम की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए हैं। नेक्स्ट है, यौवन ढलना, तो यहाँ पे आंसर है बुढ़ापा आना। मोहन को हिंदी पढ़नी है, इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया है, तो इसलिए, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका संयुक्त। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? मेरे तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ भी या नहीं। बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, मेरे तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो ये चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है यहाँ पे। सोने की कटारी होना तो सुंदर पर हानिकारक। नेक्स्ट आपका यहाँ पे यह पठित गद्यांश आ गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है।
आप इसको स्क्रीन पर मतलब वीडियो को वॉच करके जो है वो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र सॉरी शास्त्र शास्त्र क्यों बना रहे हैं? तो अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव जापान की अजेय शक्ति पराजय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक विन्यास आसन दिखाई पड़ता है, इस वाक्य में आसन का अर्थ क्या है? तो अवश्य घटित होने वाला। नेक्स्ट है, इस पदार्थ का उपयुक्त शीर्षक तो निःशस्त्रीकरण। लास्ट क्वेश्चन, विश्व को सर्वनाश से बचाने के लिए कौन सी योजना सर्वाधिक उपयोग हो सकती है? तो निःशस्त्रीकरण की योजना। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कौन सा एक युग समानार्थी है? रात्रि दिवस, लघु गुरु, व्यक्ति, समाज, पत्थर पाषाण। तो पत्थर पाषाण आपका जो समानार्थी है। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? तो रा रे री सा से सी। तो ये आपका जो है संबंध कारक का। नेक्स्ट है, तरंगा शब्द में समास, तो तीन रंग वाला, तो संख्यावाची बोध हो रहा है यहाँ पे, तो त्रिगु समास होगा। मूक का विलोम, तो मूक का विलोम हो गया आपका वाचाल। किस शब्द का अर्थ जो प्रेम है? तो प्रेम का अर्थ जो वो आपका अनुराग है। नेक्स्ट है, पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, सहधर्मी, गृहिणी, भामा, तो तारिणी यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, शब्द का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है, तो यहाँ पे जो जनता है उसका प्रयोग सदैव एकवचन में होता है। दर्शन, प्राण, आंसू, जैसे जैसे यहाँ पे ऑप्शंस को हम अच्छे से देखते हैं, जैसे देखो दर्शन, जैसे दर्शन हो गए, तो यहाँ पे ये है बहुवचन, तो यहाँ पे बहुवचन होगा दर्शन। प्राण, प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण पखेरु उड़ गया नहीं होता, उड़ गए, तो यहाँ पे ये भी पर्यायवाची वो सॉरी बहुवचन है। आंसू भी बहुवचन है। तो नेक्स्ट है जनता, जनता थर्ड ऑप्शन विल बी योर राइट। कबड्डी किस वर्ग का शब्द है? तो कबड्डी आपका जो देश है शब्द है। कनक का अर्थ नहीं है, तो धतूरा स्वर्ण कंचन होता है, लेकिन प्रसून कनक का अर्थ नहीं है। बाढ़ वागिन का क्या अर्थ है? तो ये है समुद्र की आग। फिर है, जमाखोरी शब्द में प्रत्यय, तो जमाखोरी, खोरी, लास्ट में जो सेंस है आपकी वो प्रत्यय की है, तो खोरी आंसर। नेक्स्ट है, पुरुष डैश संज्ञा है, तो पुरुष कैसी संज्ञा है? तो पुरुष आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है। उचित शब्द तो रेगिस्तान बना है यहाँ पे, तो मैंने डैश वह भयानक दृश्य देखा, तो आंखों के सामने, तो आंखों के सामने एकदम आपका मौजूद होता है, मतलब प्रत्यक्ष होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल्लिंग है? तो कपड़ा, हानि, नदी, टोपी, तो कपड़ा जो यहाँ पे पुल्लिंग है। भीति शब्द का क्या अर्थ है? तो भीति का अर्थ है दीवार, जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन, नाप, तोल का बोध कराते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो परिमाणवाचक। सर्वनाम के 6 भेद हैं, सभी को पता है। फिर है, बेमेल शब्द का अर्थ चयन करना है, विहान, भोर, सुबह, लेकिन दानव जो है वो इन तीनों से अलग है। अनुकूल का प्रतिकूल, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। हर्ष, विषाद, विस्मय, करुणा, घृणा, संबोधन, सूचना, सूचक शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं विस्मय आदि बोधक। थर्ड विल बी योर राइट। आधा तित्तर आधा बटेर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये है बेतुका मेल। फर्स्ट, इनमें से अर्धविराम कौन सा चिन्ह है? तो अर्धविराम आपका ये वाला चिन्ह है। नेक्स्ट है, गाल फुलाना, तो यहाँ पे आंसर है रूठ जाना। कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो बेजूल न बोलो, फजूल मत बोलो, फजूल बोलो,
बेफजूल मत बोलो। तो आंसर है सेकंड, आप कहाँ जा रहे हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य अर्थ की दृष्टि से पो बार है होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो खूब लाभ प्राप्त होना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह वाक्य किस प्रकार का है। तो ये वाक्य जो आपका मिश्रित वाक्य है, मिश्रित और मिश्र वाक्य एक ही होते हैं आपके। कौन सा जो शुद्ध वाक्य है। तो संप्रति वे कुल पति हैं। तो सेकंड आपका राइट है। प फ ब भ म, तो ये ओष्ठ से बोलते हैं, तब आपका ओष्ठ से जो प फ ब भ, तो आपका जो ओष्ठ से इनकी जो ध्वनि उच्चारित होती है। नेक्स्ट है, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ किसका प्रयोग होता है। तो किसी शब्द को अलग से दर्शाना हो तो वहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह या उप विराम चिन्ह का जो यूज होता है। नेक्स्ट है, इनमें से हंस पद कौन सा है। तो हंस पद आपका यहाँ पे ये वाला है। देखो जैसे मैंने लिखा, मैंने उसे उपहार में दिया। तो यहाँ पे जो ये जंग है यहाँ पे रह जाती है। तो हम ऐसे जो वो हंस मतलब इस तरह के कांस दे के तो लिख सकते हैं, मैंने तुम्हें उपहार में सोना दिया। पकड़ाइए, इसमें हो गया 40। कृपा का बहुवचन क्या होगा। कृपा का बहुवचन होगा आपका कृपाई। नेक्स्ट है, कोयला का बहुवचन रूप क्या होगा। तो कोयला का भी कोयला ही होगा। फिर आपका यहाँ पे पठित गद्यांश आ जाता है। श्रम आदर्श जीवन का मूल तंत्र है, बिना श्रम के सफलता चाहने वाले लोग होते हैं। तो ये होते हैं अकर्मण्य है, भाग्यशाली। भारत का विकसित देशों में न होने का कारण क्या है। तो श्रम के प्रति उदासीनता। संपन्न का उचित विलोम क्या होगा। तो संपन्न का उचित विलोम होगा विपन्न। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्चता के लिए जरूरी है। तो दृढ़ निश्चय एवं परिश्रम जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार शब्द में प्रयुक्त आ व्याकरण कोटि है। तो ये है उपसर्ग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड। सवर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट है, जीने की प्रबल इच्छा रखना। तो यहाँ पे आंसर आपका जिजीविषा। नेक्स्ट है, अशुद्ध पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर है वारी। तत्सम शब्द पूछा है, तो नखरा धीरज मीत हम तीनों मीन्स डेली यूज में ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन चंद्रिका का यूज बहुत कम करते हैं, तो तत्सम हो गया ये। शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ईश्वर के अनेक रूप हैं। बिल्कुल। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, 6 भेद होते हैं आपके, लेकिन भाववाचक जो यहाँ पे आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, वह कौन भारतीय है जो राष्ट्रपिता महात्मा के नाम से परिचित न होगा। तो यहाँ पे जो आया हुआ आपका, तो ये आपका जो आपका मिश्र वाक्य है, आंसर होगा आपका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, आशंका और शंका। तो आशंका आपका होता है डर और शंका होता है आपका संदेह। बिल्कुल। नेक्स्ट है, शूद्र का विलोम क्या है। तो यहाँ पे शूद्र का विलोम आपका महान। कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है। तो कोयल का कंठ मधुरता है। यहाँ पे आंसर है सेकंड। तत्पुरुष समाज का उदाहरण, तो देव आलय। नेक्स्ट है, कौन सा एक युग्म समानार्थी है। तो युग्म समानार्थी होगा आपका अमीर धनवान। बिल्कुल समान समान है ये। हर्ष का विलोम होता आपका विषाद। अशुद्ध पर्यायवाची कौन सा है, चपला, सौदामिनी, वन प्रिया या तड़ित। तो अशुद्ध पर्यायवाची वन प्रिया। अभिजात का शाब्दिक अर्थ कौन सा है। तो ये आंसर आपका कुलीन। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नेता का होगा आपका नेत्री। नेक्स्ट है, उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पे किंतु परंतु जो आपके आते हैं, यहाँ पे आंसर होगा आपका संयुक्त वाक्य।
किंतु परंतु और एवं या अथवा, तो ये शब्द आपके संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है यहाँ पे, तो आंसर आपका यहाँ पे संयुक्त। नेक्स्ट है, राम शांत स्वभाव के थे तो लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। नेक्स्ट है, असंगत बेमेल शब्द चुनना है तो विष्णुपदी भवानी गिरिजा पार्वती, तो यहाँ पे आंसर है विष्णुपदी। कौन से शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, छप्पन कालापन लड़कपन बचपन, तो यहाँ पे आंसर है छप्पन। किसे बड़े शब्द को संदेश में लिखने के लिए शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये है लाघव चिन्ह का। नेक्स्ट है, सत्यवान का स्त्रीलिंग तो ये है सत्यमती। भवदीय का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये आंसर आपका भवदीया। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो लोकोक्ति का क्या अर्थ है, नई वस्तु का विश्वास नहीं होना, पुरानी वस्तुएं टिकाऊ होती है। थर्ड आंसर, शायद कभी गन्ने खाने को मिले, तो यह वाक्य किस काल का है, तो यह है संभाग्य भविष्य काल। दो शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यह है योजक चिन्ह। जब कोई शब्द वाक्य में लिखने से छूट जाए और उस शब्द को वाक्य के ऊपर लिखा जाए, तो ऐसे में तो ये हंस पद का यूज किया जाता है, ऐसे जो वो हंस पद देके ऊपर हमें लिखना होता है। पक्षी का बहुवचन होगा तो यहाँ पे पक्षी वृंद। नेक्स्ट है, धेनु का बहुवचन तो यहाँ पे होगा धेनुए। आंखें फेर लेना तो प्रतिकूल होना, मतलब अनुकूल उसी दिशा में, लेकिन आंखें अगर फेर लेना तो प्रतिकूल दूसरी दिशा में। माधवी वर्मा ने कविताएं लिखी है, वाक्य किस काल का है, तो ये पूर्ण भूतकाल का है। कविताएं तो पूर्ण लिखी है लेकिन वो है पास्ट में है। संतोषी सदैव सुखी रहते हैं, तो सरल वाक्य है ये बिल्कुल, इसमें जो आपकी एक ही क्रिया होती है, सरल वाक्य होता है। घर जोगी चोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो स्वयं के निवास पर सम्मान नहीं मिलता। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपमानित करना। नेक्स्ट है, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ असंभव काम करना। फिर आपका अपठित गद्यांश है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या बनना चाहिए, आप ये गद्यांश पढ़ लीजिए, तो इसका आंसर होगा अपने स्वभाव और गुणों का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार गद्यांश का क्या शीर्षक उचित है, तो जीवन का आत्मविश्वास। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार गुलाब को जूही बनाने में क्या व्यंग है, तो अपना स्वरूप त्याग कर दूसरों के पीछे भागना। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महत्व का पागलपन क्यों बढ़ रहा है, काम को ऊंचा नीचा मानने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पे मूल्यांकन का सही अर्थ है आकलन, इसको असेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। चार विकल्पों में से असंगत शब्द चुनना है, तो यहाँ पे उपनिषद आपका राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा भारतवासी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, तो ये मिश्र वाक्य है, यानी कि मतलब आपकी ट्रिक बता दूं मैं, जिसे जिसने या मतलब जैसे शुरू होने वाले जो भी मतलब बीच में आपके संबंध आएगा, संबंध बताएगा, मतलब एक प्रधान वाक्य होगा या एक उस पर मतलब आश्रित होगा, तो उनके बीच में मतलब जो जिसने भी वर्ड पाएगा तो वहां पे आपका मिश्रित वाक्य होगा, यानी कि मिश्र वाक्य आश्रित होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन, तो कवित्री यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द, देखो वत्स अग्नि मयूर जो है वो हम कभी भी नहीं बोलते क्योंकि वे तत्सम हो गए, लेकिन आग का यूज हम करते हैं तो डेफिनेटली तद्भव हो गया। फिर कौन सा संदिग्ध भूतकाल है, तो वह जाने वाला है, वह गया वह जाएगा वह गया होगा, मतलब वो भूतकाल में है वाक्य लेकिन गया होगा या नहीं गया होगा, यहाँ पे आपका संदिग्ध है। नेक्स्ट है, कुछ शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो कुछ कुछ
कुछ मतलब बता नहीं सकते, कुछ है कितना है क्या है जो भी है, तो ये अनिश्चय बोध हो रहा है यहाँ पे। कल्पित का विलोम क्या होगा? तो कल्पित का विलोम होगा आपका सत्य। एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो ये एक अर्थ प्रकट करने वाले को आपको समानार्थी कहते हैं। देश, सम्मान या किसी महान पुरुष के गुणों पर गर्व पाने के लिए शब्द का चयन करें, तो अभिमान। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो भव सागर। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो यह पे कारक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो, कारक होगा। कौन सा जो शब्द युग्म है? तो आगा पीछा, तो ये आंसर आपका। नेक्स्ट है, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द, तो ये है स्थानापन। कौन सा शब्द जो पुल्लिंग है? तो ये आपका दुरात्मा। इसका अगर संधि विच्छेद करे तो दुर प्लस आत्मा। पर्यायवाची शब्द है तो मन, मान, ताला, पत्ता, तो अग्नि पर्यायवाची शब्द आपका। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? तो ये है सूर्योदय। रामायण और महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे देश में आदर के साथ पढ़े जाते हैं, तो ये है भारत। पंडिताइन शब्द में प्रत्यय, तो पंडिता इन आइन, लास्ट में सेंस आपकी आइन की है, तो सेकंड आपका राइट है। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो ईषण जो आपका असुर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना। बिल्कुल। उत्तम पुरुष का उदाहरण? तो मुझे प्रातः काल घूमना पसंद है। तो यहाँ पे अन्य पुरुष भी पूछ सकता है आपसे, प्रथम पुरुष भी पूछ सकता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मतलब थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा जो पुरुष यहाँ पे पूछ रहा है। आंसर है सेकंड। पानी आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो असंभव कार्य करना, पानी में आग लगाना असंभव कार्य करना। कल खूब किताबें पढ़ी, तो इस वाक्य में क्या मतलब? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, लघु है, तो यहाँ पे कल खूब किताबें पढ़ी यानी कि एक ही क्रिया दिख रही है, तो सरल वाक्य होगा। संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो संप्रदान को या के लिए होगा यहाँ पे आंसर। खटिया का बहुवचन होगा खटिया। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो यह है अरबी भाषा का। यदि लेख में कोई वाक्यांश, शब्द या अक्षर छूट जाए, तो इस त्रुटि को सूचना किस विराम चिन्ह से मिलती है? तो यहाँ पे कोई भी त्रुटि आपकी जो छूट जाती है, तो आपकी जो हंस पद से मिलती है, इसका साइन ये वाला होता है। नेक्स्ट है, जिस वस्तु का किसी से पृथक होना पाया जाता है, तो यहाँ पे अपादान कारक, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता दूर होने का मतलब पृथक होने का पाया जाता है, तो यहाँ पे अपादान होगा। कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी शब्द है? तो छल कपट। कोल्लू का बैल कावत का क्या अर्थ है? एक ही स्थिति में चलने वाला। देसी भाषा में काफी लोग यूज करते हैं इस कहावत का। माता पिता में कौन सा चिन्ह है? तो यह है संयोजक चिन्ह। कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा। विराम चिन्ह किस भाषा की देन है? तो यह है अंग्रेजी भाषा की। फिर आपका पठित गद्यांश आया है कि देशभक्त सामाजिक शब्द का सही विग्रह क्या है? तो देशभक्त यानी कि देश का भक्त। नेक्स्ट है, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? तो हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? घर में। नेक्स्ट है, देशद्रोही कौन है जो जो अपने काम के प्रति उदासीन हो? फिर है, स्रोत का अर्थ क्या है? तो आरंभ, यानी कि उसका आरंभ कहाँ से है। नेक्स्ट है, घर में शांति है सौहार्द की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? तो दूसरों को जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहें, तो थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। उर्वर शब्द का विलोम कौन सा है? तो उर्सर यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ।
कौन सा एक युग्म समानार्थी, आपका शब्द युग्म से और समानार्थी से और पुरुषवाचक, मतलब इस टाइप के काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सेवक दास ये शब्द युग्म मतलब समानार्थी शब्द है, सेवक दास मतलब आपका सेम होता है। नेक्स्ट है मनोरथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता, तो इच्छा। आपने मतलब एक दोहा सुना ही होगा कि मनोरथ करने से सब काम सिद्ध होता है मन की इच्छा से नहीं, तो यहाँ पे आंसर आपका इच्छा। वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्र भक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था जो जिसे जिसने वगैरह, मतलब एक वाक्य प्रधान और मतलब दूसरा जो उस पर आश्रित, तो जो जिसने जिसे पे मतलब जैसे शुरू वाले वाक्य से जुड़ा हो तो वहाँ पे मिश्रित, आंख बंद करके टिक लगा देना, मिश्र या मिश्रित वाक्य है। तो फोर्थ आपका राइट आंसर। अभी मैंने लास्ट जो 40 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें ये ट्रिक बताइए। फिर है खुश मिजाज में उपसर्ग कौन सा है, तो खुश यहाँ पे उपसर्ग है, कितना इजी क्वेश्चन है। कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, तो गुणवाचक संज्ञावाचक सार्वनामिक, तो ये तीनों जो विशेषण के भेद है लेकिन जातिवाचक आपका नहीं है, वो संज्ञा का भेद है। नेक्स्ट है अतिथि का प्राय नहीं है, अतिथि का अभ्यागत भी होता है, पाहुना मेहमान भी होते लेकिन भगवान नहीं होते। नेक्स्ट है दूसरों के दोष ढूंढने वाला, तो वाक्यांश के लिए उपयुक्त क्या होगा, तो ये होगी छिद्रन्वेषी, थर्ड आपका राइट आंसर है। आप अपने आप बुला लाइए वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो आप अपने आप बुला लाइए वाक्य में सर्वनाम का भेद है निजवाचक, यहाँ पे आप है इसलिए यहाँ पे निजवाक्य है। नेक्स्ट है चार विकल्पों में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करना, तो यहाँ पे परिवार आपका राइट आंसर है। सेकंड कौन सा शब्द अविभाव समास है, तो यथाशक्ति बे या प्रति वगैरह इस टाइप से जो वाक्य मतलब जुड़े हो वो आपके अविभाव समास होंगे। नेक्स्ट है पुरस्कार अशुद्ध शब्द का शुद्ध रूप, तो ये अशुद्ध शब्द है लेकिन इसका पुरस्कार फर्स्ट वाला राइट है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, अचानक उसने सीने में दर्द हुआ, फर्स्ट ही राइट है। युद्ध में स्थिर रहने वाला वाक्यांश के लिए विकल्प उपयुक्त, तो युधिष्ठर। यदि मैं होता तो लड़ाई न होने देता, यदि मैं होता तो लड़ाई न होने देता, तो मतलब ये एक तरह से जो संकेत कर रहा है यहाँ पे कि यदि मैं होता तो मतलब लड़ाई नहीं होने देता। इस टाइप के और वाक्य अगर आपको बताऊं तो आप नोट करिए। यदि छुट्टी लेने का प्रयास करता तो अवश्य सफल हो जाता, तो मतलब क्या है कि एक क्रिया जो दूसरी क्रिया पर डिपेंड करती है, यदि मैं होता तो लड़ाई न होने देता, तो ठीक बात है ना। यदि किसान समय पर बीज बोता तो फसल अच्छी होती, बिल्कुल एक क्रिया पर दूसरी क्रिया का मतलब एक तरह से संकेत दे रहा है, तो यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ। शब्द पाठक का बहुवचन क्या होगा, तो पाठक वृंद। नेक्स्ट है सृष्टि और प्रलय ईश्वर के खेल है, विलोम शब्द पूछा सृष्टि और प्रलय। नेक्स्ट है भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो यहाँ पे भगवती। चतुराई शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो चतुराई, तो सेकंड आपका राइट है। फिर है भिन्नार्थक शब्द का सही उदाहरण, तो एक अन्य। बलवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बलवती। लू चल रही थी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सका, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका। देखो अभी मैंने बताया था सरल वाक्य में आपकी जो वो एक ही क्रिया होगी, लेकिन संयुक्त मिश्र वाक्य में आपका एक प्रधान होगा एक आश्रित होगा। वो ट्रिक भी बताई है कि जो जिसने जिसे जैसे शुरू होने वाले वो सभी आपके मिश्र और मिश्रित में आएंगे। यहाँ पे आंसर होगा आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो लोक में अप्रचलित उक्ति। नेक्स्ट है माताजी सबको खाना खिलाएंगी, यह वाक्य किस काल में है, तो माताजी सबको खाना खिलाएंगी सामान्य भविष्यत काल में, नहीं उसने अभी खाना खिलाया और वो
मतलब नहीं, आप ऐसा कोई जो आसन वगैरह या कोई संधि वगैरह या फिर कोई बात, तो सामान्य भविष्यत काल है। जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, लोक उक्ति का क्या अर्थ है, दोनों एक समान है। प्रसर्ग न के कारण क्रिया सदा किस काल में होती है, तो प्रसर्ग न के कारण क्रिया सदा भूतकाल में होती है। मुहावरा अपना वास्तविक अर्थ कभी नहीं बदलता है, बिल्कुल। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बड़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा करना। सिपाही की डैश ही मोटर चालान रद्द हो गया, तो यहाँ पे आंसर है जब जेब गर्म होते। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो उसने पुस्तक खरीद ली। गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गुरु आइन फर्स्ट होगा। वह समझाने पर भी नहीं समझता, उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, पर्दा पड़ गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। फर्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए, तो यहाँ पे लोकोक्ति है। नीचे दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान को उपयुक्त मुहावरे से पूरा कीजिए। तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारा डैश न होगा, तो बाल बाका सेकंड आपका राइट है। फिर आपका एफटेट गद्यांश है, इसे आप पढ़िए। मन को मरा हुआ रखने का आशय क्या है, तो उत्साह ही हीन रहना। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश में वाक्य का प्रकार बताना है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो, तो यहाँ पे और अथवा वगैरह से जुड़ा है, तो संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो स्वतंत्र चेता बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को अपने निर्णय किस आधार पर लेने चाहिए, तो अपने विवेक के आधार पर, थर्ड विल बी योर राइट। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का विलोम है प्रतंत्रता। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किनारे का अर्थ है जहां तक जल की पहुंच हो। नेक्स्ट है, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर होने वाला दुख, तो उसको क्या कहा जाता है, शोक, तो शोक का अर्थ आपका दुख। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऊंचाई महानता सच्चाई, ये भावार्थक भाववाचक संज्ञा, लेकिन जो अभिनंदन है वो आपकी संज्ञा ये नहीं है। नेक्स्ट है, अलमारी किस भाषा का मूल शब्द है, तो यह पुर्तगाली। डैश व्यक्ति सरल व्यक्ति की सरलता नहीं छीन सकता, तो कुटिल व्यक्ति सरल व्यक्ति की सरलता नहीं छीन सकता। बहुत तेज चलने वाला वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त, तो दुर्गति गामी। नेक्स्ट है, असंगत बेमेल शब्द, तो यह है गज। गजा हाथी होता आपका, लेकिन अश्व है बाजी, आपका घोड़ा होता है, थर्ड राइट। पुलकित शब्द में प्रत्यय, तो पुल प्लस खित इत प्रत्यय है, लास्ट में आपका प्रत्यय जुड़ते हैं। अज शब्द का सही अर्थ क्या है, तो अज का होता बकरा, सेकंड राइट। वह कलम से लिखता है, यहाँ कलम में से कौन सा कारक है, तो वह कलम से लिखता है, कलम में से कौन सा कारक है, तो यह है करण। कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति है यहाँ पे। टै वर्ण का सही सही उच्चारण, तो टैठ हड, तो यहाँ पे मूर्धा से उच्चारित होते। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो अतएव, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो रोटी चीनी मोती, लेकिन मोती जो यहाँ पे पुल्लिंग है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, अंबु सरोज नलिन, ये है के कमल के पर्यायवाची, लेकिन विलोचन यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। काली मिर्च के विग्रह को रेखांकित किए, तो काली है जो मिर्च। राम ने खाया होगा, इस वाक्य में भूतकाल के किस रूप में क्रिया के होने का ज्ञान हो रहा है, तो राम ने खाया होगा, तो संदेह है यहाँ पे कि खाया होगा या नहीं खाया होगा, कुछ नहीं कह सकते। वह कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक है, यह मेरा पेन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो इस पे मेरा ये अधिकार है कि यह मेरा पेन है, मैं ये नहीं कह सकती है कोई का पेन है, किसी का पेन है, कुछ का पेन है, मैं निश्चित है यहाँ पे। अंतरंग का विलोम शब्द, तो बहिरंग। कौन सा एक युग्म समानार्थी है, तो बाधा विघन, फर्स्ट विल बी योर राइट। फिर है, कौन सा शब्द आकर्षण का विलोम शब्द है, तो यह है विकर्षण। बुरी तरह हारने का सही मतलब सही मुहावरा क्या होगा, तो मुंह की खाना। तेली का बेल होने का क्या अर्थ है, पूरी तरह काम में लगे रहना। नेक्स्ट, सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, तो
तो सत्य और अहिंसा का आपका घनिष्ठ संबंध है। कथन में जिज्ञासा या संभावना का बोध करवाने वाला चिन्ह कहलाता है, तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। कथन में जिज्ञासा या संभावना का बोध कराने वाला चिन्ह कहलाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो प्राण जो आपका बहुवचन है, प्राण पखेरु उड़ गई, तो ये आंसर आपका है बहुवचन में। ये काफी पूछा जाता है प्राण दर्शन समाचार इस तरह के। उधो का लेना न माधो का देना का क्या अर्थ है, अपने काम से काम रखना, उधर का लेना न माधो का लेना, तो अपने काम से काम रखना। हंसे के व्याह में खुरपी का गीत, तो असंगत बातें करना। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह आए हैं, तो कहाँ से आए हिंदी भाषा में विराम चिन्ह, तो आपके अंग्रेजी भाषा से आए हैं। मृत का इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है, तो मृत थर्ड राइट आंसर है। चोर चोर डैश भाई, तो मोसेरे भाई। उसने लड़ाई लड़ी है कौन सी क्रिया है, तो उसने लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थ क्रिया तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यह एक क्रिया दूसरे से मतलब करवाई जाती है, खुद ना कर कर दूसरे से, तो अकर्मक ये है ही नहीं। सहायक वगैरह इसमें कुछ नहीं है, तो सकर्मक क्रिया जो कि आपकी नींव से जुड़ी है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में, तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, बाकी आपके जो प्रेजेंट में नहीं है। नेक्स्ट है सुबह शाम करने का क्या अर्थ है, तो टाल मटोल करना। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये शुद्ध रूप है। फिर शुद्ध वाक्य का चयन, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, फोर्थ विल बी योर राइट। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं आपका, अपठित गद्यांश, उपयुक्त शीर्षक कौन सा है, तो सुरक्षा कवच विनाश का कारण, फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुरों से देवता इसलिए जीते क्योंकि उनके पास अश्व और लोहे के अस्त्र थे, फर्स्ट विल बी योर राइट। नेक्स्ट है रामचंद्र की वानरी सेना के अस्त्र थे, तो पत्थरों के बने ढेले और वृक्षों की छाल। नेक्स्ट है नख धर मनुष्य को सबसे अधिक विश्वास है, तो पलीते वाले कारतूसों और बम्बों पर, फर्स्ट विल बी योर राइट। लाखों वर्ष पहले मनुष्य को नाखूनों की इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि वह इनमें अपने विरोधियों को पहाड़ पछाड़ सकता था। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। शुद्ध शब्द का चयन करना, तो सुलोचना सेकंड यहाँ पे आपका राइट है। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यह है भागवत व्यंजन संधि का उदाहरण। समास में पहला शब्द अव्यय होने के साथ प्रधान होता है, वह कौन सा समास है, तो अव्यय होने के साथ प्रधान होता है आपका तो अव्ययीभाव समास है। कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा अनिल समीर वायु के पर्यायवाची है, लेकिन अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है भविष्य काल का उदाहरण, तो राम पड़ेगा, तो भविष्य काल का यहाँ पे ग की सेंस है। नेक्स्ट है मेज पर पुस्तक है, तो मेज पर पुस्तक है, तो अधिकरण में पर विभक्ति आएगी, तो थर्ड आपका राइट आंसर है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पपीता एकादशी पानी दही, तो स्त्रीलिंग आपका एकादशी। कट शब्द का अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो हाथी की सून। नेक्स्ट है उपकार को मानने वाला, तो यह कृतज्ञ, और उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। नेक्स्ट है कौन सा शब्द स्वार्थ का विलोम शब्द है, तो ये है परमार्थ। नेक्स्ट है किसी आदरणीय व्यक्ति द्वारा किया द्वारा दिया गया कार्य, तो ये है आज्ञा। आशातीत का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो आशा से बढ़कर हो, फोर्थ यू आर राइट। नेक्स्ट है रस्सी निम्न में से किस बाल्टो शब्द का उदाहरण है, तो ये है विपरीत गुण का बोध कराने वाले युग्म शब्द। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो ये है हाथ। वे शब्द जो अक्सर समूह में मतलब वे शब्द जो अक्सर समूह तो हैं किंतु जिनमें भाव स्पष्ट नहीं होते, उन्हें डैश शब्द कहते हैं, तो वो है निरर्थक निरर्थक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष का शब्द है, तो वो है मैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विपरीत गुण वाला है, तो ये है आग और पानी। जिन संज्ञाओं के अंत में तय अथवा ये आता है, निम्न में से क्या शब्द होते हैं, वे तो स्त्रीलिंग।
आलू प्रत्यय से बने शब्द का चयन। आलू ऊ तो यहाँ पे कुमाऊ, ससुराल, पनीता तो झगड़ालू, आलू तो आलू आएगा आपका झगड़ालू। राम ने भोजन कर लिया क्योंकि संध्या हो गई थी। तो ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका मिश्र वाक्य है, जो कि हम मिश्रित भी बोल सकते हैं। कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? तो अर्धविराम का चिन्ह आपका फोर्थ। कौन सा मध्य पुरुष का उदाहरण है? तुम अपना काम करो। शुद्ध वाक्य है, तो तुमने कल नहीं आने के कारण परीक्षा नहीं दी, फर्स्ट राइट है। दूध का दूध, पानी का पानी, कहावत पूर्ण न्याय। निम्न शब्दों में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो यह है निरंतर, कालवाचक का मतलब निरंतर। कौन सा शुद्ध वाक्य है? एवरेस्ट शिखर उच्चतम चोटी है। महिमावान पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महिमावती। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? खरी खोटी सुनाना। आज से 125 वर्ष पूर्व हिंदी वर्तनी में निम्न में से कौन सा एक ही विराम चिन्ह था? तो आज से 100 वर्ष पूर्व हिंदी में वर्तनी में पूर्ण विराम चिन्ह था। शरणागत रक्षक में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग है? शरणागत रक्षक में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग है? तो ये संयोजक विराम चिन्ह, संयोजक का साइन होता है ये वाला। नेक्स्ट है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये है भटकना। निम्नलिखित में से गुड़िया का बहुवचन क्या है? तो ये है गुड़िया। किन वाक्यों को छोड़कर शेष सभी निश्चयात्मक वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग? तो ये है प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक। इन वाक्यों को छोड़कर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, आजकल वर्षा से यातायात में कठिनाई तो है ही, लेकिन बाढ़ ने तो उसे ठप कर दिया है। तो यहाँ पे लेकिन, किंतु, परंतु वगैरह से जुड़े हैं ये वाक्य, तो ये आपके संयुक्त वाक्य होंगे। नेक्स्ट है, खोदा पहाड़ निकला चुहिया, कहावत का अर्थ अधिक परिश्रम और अल्प लाभ, यानी कि ज्यादा परिश्रम कम लाभ। फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, हमारा किसान कितने समय खाली रहता है? तो ये है आपका 6-7 महीने, लास्ट लाइन में आंसर है इसका। नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार बेकारी की समस्या किसकी देन है? तो यह है अंग्रेजी हुकूमत की, फर्स्ट लाइन में आपका आंसर है। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का शोषण कैसे किया? उद्योग धंधों को नष्ट किया और सरकारी बाबू तैयार करने की प्रक्रिया को जटिल बनाया। सेकेंड और थर्ड लाइन में आंसर है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो भारत में जो बेरोजगारी की समस्या, बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी श्रमिक शक्ति शून्य क्यों पड़ी है? एक ओर उत्पादन की कमी और दूसरी ओर उत्पादन के मानव संसाधन अप्रयुक्त पड़े होने से। तो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। इनमें से अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है? तो ये है कोई, कोई जो आपका अनिश्चय सर्वनाम होता है। पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो ये है पाशविक। नेक्स्ट है, जैसे समास में दोनों पद ए प्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पे होता है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द कौन सा है? तो ये है बहुसंख्यक। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु कहलाती है? तो ये है आपका धाती। नेक्स्ट है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा? तो यह है भाववाचक संज्ञा। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो यह है ठंडक। स्व प्लस जन, नी प्लस संदेह, प्री प्लस ज्ञान, तो ये तीनों उपसर्ग के, लेकिन ठंडक जो है वो बिना उपसर्ग का है। नागर का पर्यायवाची शब्द है? तो यह है नगरवासी। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से दही? तो यह है दही आपका पुल्लिंग। लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यह है तदित प्रत्यय।
प्रत्यय से देख लो, आपके सिर्फ इसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि तदित प्रत्यय, बाकी नॉर्मल प्रत्यय से पूछ लिया गया था कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो ये तदित प्रत्यय का भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपको पता, वर्ण। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यह है कपट। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता, तो यह है उन्मेष। नेक्स्ट, आशा से बहुत अधिक मिल जाना कहलाता है, तो यह है आशातीत। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? तो यह है चपला चंचला। आशीर्वाद का सही विच्छेद, तो आशीर्वाद प्लस वाद। भारतीय शब्द का बहुवचन, तो यह भारतीयों। प्रोक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष और प्रोक्ष। प्रश्न दिए गए चार विकल्पों में असंगत यानी बेमेल चुनना है, तो नंदिनी कन्या आत्मजा और भार्य जो है वो बेमेल है, भारिया। पिशुण का पर्यायवाची शब्द, तो यह है चुगलखोर। पराधीन सपने हु सुख नाही वाक्य की मूल संवेदना क्या है? तो जो अपराधीनता अभिप्राय है। निम्नलिखित लोकोक्तियों में से किसका अर्थ विपरीत कार्य करना है? तो उल्टे बांस बरेली को, फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। चार पाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में से पर कौन सा कारक है? तो अधिकरण में पर होता है, तो में पर जो विभक्ति जो वो आपकी अधिकरण। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में, तो ये एक शब्द दूसरे पर आश्रित, तो आंसर आपका यहाँ पे मिश्रित यानी कि मिश्र। सरल वाक्य है नहीं, ये संयुक्त वाक्य भी नहीं है, साधारण वाक्य भी नहीं है। जहाँ ऊपर लिखे गए अंश को नीचे की पंक्ति में यथावत दोहराया गया हो तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होगा, वो वहाँ पे उसका साइन कुछ इस तरह का होता है, जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, पेड़ पर बंदर सॉरी फिर हम इसको हाईलाइट करेंगे, तो यहाँ पे पेड़ पर फल मीठा है, मतलब इतना जो कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ऐसे ही पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे। मुहावरे का कौन सा रूप शुद्ध है? तो यह कंधे से कंधा मिलाना। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे, तो यह दुराध्य फर्स्ट विल बी राइट। संयुक्त वाक्य में दूसरे वाक्य का आरंभ अंत परंतु पर तदापि फिर भी इसलिए क्योंकि तेव संयोजकों से यदि हुआ है तो इनके पूर्व अल्प विराम लगाया जाता है। मूर्धन्य व्यंजक क्या है? तो ट ठ ड ड, लास्ट में पूछ रखा था आपका ट किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये हम मूर्धन्य है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपसे जो पूछ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप का चयन करें। तो शुद्ध रूप का चयन है कि उनका एक पुत्र है। शैतान के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यह है चालाक होना। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शीर्षक यहाँ पे शुद्ध है, टाइटल। काम काज में कोरा होना का क्या अर्थ है? काम में जानना। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो भोजन बहुत गरिष्ठ था, थर्ड विल बी राइट आंसर। डाक के वही तीन पात होना, तो सदा एक जैसा, आपका पठित गद्यांश आ गया, इसको पढ़िए। उपयुक्त शीर्षक का चयन है, तो यह साहित्य का आनंद। जीवन अगमय है क्योंकि वह परमात्मा की सृष्टि है। साहित्य का आनंद अखंड है क्योंकि वह सुंदर और सत्य पर आधारित है, फर्स्ट विल बी योर राइट। सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है सत्य और सुंदर के साक्षात्कार द्वारा। साहित्य का आधार है, तो यह है जीवन। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आप गाना गाइए का क्रमवाच्य रूप क्या होगा? तो आपके द्वारा गाना गाया जाएगा, तो सेकंड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से चार वाक्य दिए गए हैं, एक वाक्य सही है, तो उपयुक्त रचना प्रासंगिक है, फोर्थ विल बी योर राइट। ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं तो वहाँ पे जो अर्धविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है,
डैश कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है तो ये अप्रत्यक्ष। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, यहाँ पे प्रश्न भी कर रहा है वो देर हो रही है कब आओगे को मीन्स हाईलाइट जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में और पिता ने पुत्र से कहा यहाँ पे। वाक्यों में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता हो वहाँ अल्प विराम, तो अल्प का मतलब ही समझ लो आपकी थोड़ा होता है, तो जहाँ पे कम रुकना हो वहाँ पे आपका अल्प विराम यूज होगा। ऊँट किस करवट बैठता है लोकोक्ति का अर्थ, तो लाभ किस पक्ष का होता है। नेक्स्ट है सूंघते धान पर पानी पड़ना, तो आंसर है दशा सुधरना। गुदड़ी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ है, तो असुविधाओं में उन्नत होने वाला। ताजमहल क्या ही सुंदर है, क्या ही सुंदर है, तो यहाँ पे विस्मयार्थक वाक्य है। नेक्स्ट है राम उससे घर आने को कहता है कि का मिश्र वाक्य क्या होगा, राम के द्वारा मुझे घर बुलाया गया। लोकोक्ति नाई की बरात में सब ठाकुर, स्वयं को सबसे बड़ा मानने वाले लोगों का समूह। फिर है संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम, तो ये है संदेहार्थक। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, कोई त्रुटि नहीं, तो आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में जो शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे जो वो वाक्य त्रुटि वाला, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट है त्रुटि का चयन, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो यहाँ पे विद्यालय में जलपान का उत्तर प्रबंध है ये होना चाहिए, तो सेकंड विल बी योर राइट। क्वेश्चन देखते हैं उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है, तो यह है आलोचनात्मक शैली। नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है, तो यह है आदर्शवादी। नेक्स्ट है रंगमंचीयता अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी सफल है, वर्मा जी के समस्यामूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है, तो यह शिक्षित मध्यवर्गीय दाम्पत्तियों की समस्या का। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो यह राम कुमार वर्मा की एकांकी कहानी। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। शब्द मनोहर में कौन सा समास है, तो यह है तत्पुरुष समास। करुणामर्त का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यह करुण प्लस अमृत। कानून की अनभिज्ञता समय नहीं होती, इसलिए इसकी डैश आवश्यक है, तो यह है विज्ञता। भूतकाल के कितने भेद है, एक सेकंड, तो भूतकाल के 6 भेद हैं। दिए गए विकल्पों में तत्व शब्द, तो आंख है, आगमन का विलोम, तो ये प्रस्थान। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन, तो ये है रूढ़िवादी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी, अशुद्ध वाक्य वाला शब्द चयन, तो रूढ़िवादी। नेक्स्ट है मेघ बरसने लगा किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग है, तो यह संयुक्त। कल्याण का पर्यायवाची शब्द मंगल। कुछ और कुछ शब्द युगम का सही अर्थ क्या है, तो यह रोज और प्रस्थान। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, तो यह असाध्य। अन्वेषण का पर्यायवाची तो खोज होता है। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो ये है माल।
स्वपन का विलोम शब्द क्या है? जागरण। वह हथियार जो फेंककर चलाया जाए उसके लिए एक शब्द का चयन, तो यह अस्त्र। वक्ता, श्रोता और अन्य जिसका संबंध में बात हो उसका बोध कराने वाला सर्वनाम डैश सर्वनाम कहलाता है, तो यह पुरुषवाचक। बेमेल असंग शब्द का चयन, तो यह अंश। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग, तो यह मादा मगरमच्छ। शब्द तिरस्कार में प्रयुक्त तो उपसर्ग कौन सा है? तो यह तिरस। आप गाना गाइएगा कर्मवाच्य, आपके द्वारा गाना गाया जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करते हैं। अशुद्ध पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वाग्देवी, शारदा, वागेश्वरी, तो सुषमा जो है वो अशुद्ध पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल। योगी का विलोम शब्द क्या है? तो यह है भोगी। निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो यह है धनश्याम। नेक्स्ट है, शब्द में उपसर्ग कहाँ लगता है? तो आपको सभी को पता होगा कि प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है और जो उपसर्ग है वो शब्द के आगे लगता है। नेक्स्ट है, जहाँ क्रिया का फल कर्म पर जाकर पूरा हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, कौतूहल का शाब्दिक अर्थ है, तो ये है आपका उत्सुकता। नेक्स्ट है, भारत भूमि पर अनेक नदियाँ बहती है, तो ये बहुवचन आपका। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी का डैश शोकाकुल था, तो वो था निधन। नेक्स्ट है, अशुद्ध पर्यायवाची शब्द, तो ये आपका असी। नेक्स्ट है, परोपकारी शब्द, परोपकारी सबका उपकार करते हैं डैश नहीं, तो ये है परोपकारी सबका उपकार करते हैं अपकार नहीं। नेक्स्ट है, सूत और सूत, एक का सूत बेटा बेटा और एक का है सारथी। नेक्स्ट है, दूसरे देश से मंगाया हुआ, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये है आयातित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण, तो ये है पंजाब। नेक्स्ट है, जो टुकड़े टुकड़े हो गया है तो वो है खंडित, जिसके टुकड़े टुकड़े तो खंडित। बाबू का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये है बबुआइन। कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य मतलब देश भर में बात फैल गई है, तो यहाँ पे थर्ड है आपका शुद्ध वाक्य है। प्रजा का बहुवचन होगा, तो ये होगा प्रजाजन। नेक्स्ट है, फीसदी का शाब्दिक अर्थ, तो फीसदी का शाब्दिक अर्थ होगा आपका तत्सम, प्रतिशत। आंचलिक शब्द से में जुड़ा इक है, तो ये है आंचलिक में जुड़ा इक, तो ये है प्रत्यय। नेक्स्ट है, घर में गंगा बहाना, तो घर में ही सुविधा मिलना। खाट का स्त्रीलिंग शब्द, तो खाट का स्त्रीलिंग शब्द है खटिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे कहते हैं भूतकाल। कुछ काम करो या यो कागची, तो घोड़े न दौड़ाओ। अधूरे वाक्य को सही मुहावरे में भरिए। कुछ काम करो यो कागची, घोड़े न दौड़ाओ। हवा पलटना मुहावरे का अर्थ, परिस्थिति बदल जाना। वह पढ़ता भी है और अखबार भी बेचता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो शेर शब्द का स्त्रीलिंग होगा शेरनी। कौन सा शब्द सदा बहु एक वचन में रहता है? तो ये है आकाश। सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ, यह सनक सवार होना। नेक्स्ट है, सांझ को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ, सच्चे मनुष्य को भय नहीं होता। मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता, वह तो डैश बेपंती का लोटा है। नाक रखना मुहावरे का अर्थ, मान रखना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं लोकोक्ति का अर्थ, दूर की चीजें अच्छी लगती है। कौन सा शब्द सदा बहुवचन में रहता है?
तो प्राण, प्राण से और दर्शन से क्वेश्चन इतना पूछा गया है डी ट्रिपल एस जी के एग्जाम में, तो प्राण को आप याद कर लीजिए, बहुवचन होता है। जैसे प्राण पखेरु उड़ गए, तो उड़ गए, उड़ गया तो होगा एक वचन, अगर उड़ गए तो वहां पे आपका बहुवचन। नेक्स्ट है, जो ही आंधी रात हुई त्यों ही मैंने काम बंद कर दिया, तो मिश्रित वाक्य है, जो त्यों या जब, जैसे, जिसने, जिसे, तो वहां पे आपका मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट है, उत्साहित का विलोम, तो यह हतोत्साहित। कवि को प्रजापति क्यों कहा गया है, तो समाज का नव निर्माण करने के कारण। साहित्य युद्ध भूमि में क्या भूमिका निभाता है, तो यह संघर्ष करने की। गद्यांश का उचित शीर्षक, तो यह कवि समाज का प्रेरक। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य में समाज को देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, लगभग हमने 200 अराउंड क्वेश्चन कर लिया, इससे ज़्यादा भी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, इससे अगले सेशन को कवर करेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे। तब तक फिर वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।